बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सबको खुश आबाद रखे। आज ईद उल अज़हा है, बहुत खुशी का दिन मुसलमानों के लिए, ईद कुर्बान है। तो मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, जहाँ कहीं भी दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम। उम्मीद है कि अल्लाह ताला से आपका आज का दिन बहुत बहुत खुशी के साथ, अमन सुकून प्यार मोहब्बत के साथ गुजरेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। और जो हम सुन्नत इब्राहिमी पर अमर पैरा होते हुए जो दिन हम कुर्बानी करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सबको सबकी वो कुर्बानी कबूल करे। और इसके साथ साथ एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ़ से निकीज़ किचन एंड व्लॉग की तरफ से, कि प्लीज़ आज के दिन हम अपनी उस अना को, उस नफ़रत को, उस एक दूसरे से जो दुश्मनी या जो कुछ भी है, उन सब को ख़त्म करके उनको भी कुर्बान करते हुए हम हर चीज़ को कुर्बान कर दें, अपनी अना को, दुश्मनी को, नफ़रत को, गुस्से को, कीने को, और मिल जाएं एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, अमन के साथ रहें। क्योंकि ये दुनिया छोटी सी है, दुनिया फ़ानी है, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है, तो क्यों ना हम इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुजारें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब मुसलमानों के दिलों को आपस में जोड़ दे, इत्तफाक़ और सलूक और प्यार मोहब्बत से हम रहें। और अपने तमाम बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, अजीज़ो अकरबा का, इर्द गिर्द का ज़रूर ख्याल रखें इस खुशी के मौके पर, उनको भी शामिल करें, जो कि मकसद है कुर्बानी, कुर्बानी यानी सेक्रीफाइस दूसरों के लिए। तो उन लोगों को ज़रूर आज के दिन, उन बहन भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उनको ज़रूर कुर्बानी का गोश्त पहुँचाएँ जो मुस्तहिक है। इसके साथ ही एक दफ़ा फिर दिली ईद मुबारक।